हेलो गाइज, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया वैकेंसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में रीट प्रतियोगी परीक्षा बहुत जल्दी आयोजित होने वाली है, जो कि 26 सितंबर को आयोजित होने वाली है। तो उसको लेकर आज से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं SST वालों के लिए, और बाकी जो भी फर्स्ट लेवल के या सेकंड लेवल के विद्यार्थी हैं उनके लिए कॉमन रहेगी साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत। तो आप सभी इस टेस्ट सीरीज़ को देखिए और अपना अवलोकन कीजिएगा, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ रहेगी आप सबके लिए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, NCF 2005 के उल्लेखित नहीं है, यानी NCF 2005 में आया था उसमें कौन सा इनमें से उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है यशपाल कमेटी 28 सदस्य, और ब में शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट आधार मानी जाती है, और श प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान का निर्माण, और द रटकर सीखने पर बल। तो इसमें आप उत्तर लगा दीजिएगा अपना, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा रटकर सीखने पर बल, यानी NCF रट पर सीखने पर बल नहीं देता है। तो रटन पद्धति को समाप्त करने के बारे में बात की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। दूसरा क्वेश्चन है, NCF 2005 की उल्लेखित नहीं है, यानी NCF 2005 में इनमें से भी बताया जा रहा है उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अ 5 अध्याय का उल्लेख, ब सार्थक अधिगम पर बल, स निर्मितवाद को आधार माना गया, द अस्मिता विकास बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इसमें जो नहीं है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर द, अस्मिता विकास बाल्यावस्था की विशेषता है, यह इसमें गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, NCF 2005 बल नहीं देता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, काम कला शारीरिक व शांति शिक्षा, बहुभाषा शिक्षा, या पाठ्यचर्या में सामान्य केंद्र की बात करना। तो 3 का आपके नहीं, यानी अब सही उत्तर होगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें NCF बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की बात करता है, यानी इसमें आपके सही होगा ऑप्शन नंबर अ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, NCF 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, सर्वांगीण विकास, शिक्षा को जीवन से जोड़ना, परीक्षा को कक्षा कक्ष से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं है, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, बाकी सभी सही। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, NCF 2005 समर्थन करता है, JP नायक ने समानता गुणवत्ता परिणाम को दुग्रह त्रिकोण कराना, त्रिभाषा का समर्थन, यांत्रिक सीखने का समर्थन, या फिर ऑप्शन 1 व 2 दोनों। 5 का 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, NCF 2005 के अनुसार विशेषता नहीं है, संज्ञान क्रम व भाषा से स्वयं व दुनिया को समझना, समावेशी शिक्षा का समर्थन, करके सीखने पर बल, और सूचना ज्ञान है। तो 6 का आपका सही नहीं है, सूचना ज्ञान है, यह गलत है, बाकी सभी सही। 7वां है, NCF 2005 मूल्यांकन में सुझाव नहीं देता है, सतत व्यापक मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, 10वीं व 12वीं परीक्षा अनिवार्य। तो 7 का हो जाएगा द, 10वीं 12वीं परीक्षा अनिवार्य की बात NCF 2005 नहीं करता है। 8वां क्वेश्चन है, NCF 2005 के बारे में सही है, शिक्षण सुगम करता होता है, बालक की असफलता विद्यालय की असफलता है, 6 कक्षा 1 से 2 तक गृह कार्य नहीं, 10 सीखने के लिए सीखने का विरोध। तो आपके इसमें सही हो जाएगा, अगर हम बात करें 8 का, तो सीखने के लिए सीखने का विरोध, यह NCF 2005 के बारे में सही है 8 का। 9वां क्वेश्चन है, RTE 2009 के बारे में सही है, इसमें SMC विद्यालय विकास योजना बनाती है, SMC में 16 सदस्य होते हैं, बालक का तात्पर्य 16 वर्ष तक का होता है, उपयोग सभी। तो 9 का आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का दायित्व RTE 2009 में नहीं है, तो इसमें प्रति सप्ताह 45 कालांश, प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना, PTM आयोजित करना, और नियमित रूप से नहीं आना। तो इसमें द गलत होगा, नियमित रूप से नहीं आना, यह गलत है, बाकी सभी सही। 11वां क्वेश्चन है, RTE 2009 के बारे में गलत कथन है, तो इसमें आपको गलत कथन बताना है 11 का। तो 11 का गलत अगर हम बात करें, तो कक्षा 6 से 8 पर 50 बालकों को प्रधान अध्यापक का पद, ये गलत है, 50 पर नहीं होगा, 150 बालकों के बाद प्रधान अध्यापक पद की बात की गई है यहाँ पर, यानी इसमें द गलत है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, RTE 2009 करता है, शिक्षक जनगणना व आपदा कार्य नहीं करेगा, नो डिटेंशन नीति, बालक को फेल किया जा सकता है,
बिना मान्यता के विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा, दो और तीन दोनों। तो 12 का अगर अपन देखें तो 12 का दो और तीन सही है, एक नंबर गलत है। शिक्षक जनगणना आपदा में लगाए जा सकते हैं, पोल प्लस पोलियो में शिक्षक को अब नहीं लगाया जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति कविता व कहानी रचता है, ये कल्पना है। उत्पादक, पुनः उत्पादक, ग्राही, रचनात्मक। तो 13 का उत्तर हो जाएगा आपकी उत्पादक। शब्दार्थ सीखने का प्रतिफल की विशेषता नहीं है, तो मात्रात्मक, गुणात्मक, वर्तुलाकार, सीखे गई व्यवहार का मूल्यांकन, लघुकालिक। तो शब्दा का आपके विशेषता नहीं है सीखने की, तो लघुकालिक विशेषता यह नहीं है। 15 अधिगम प्रतिफल उपयोगी है, समायोजन में, वृद्धि विकास में, व्यवहार परिमार्जन में, या उपपक सभी। तो 15 की बात करते हैं तो अधिगम समायोजन में उपयोगी है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन नहीं है, सतत प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, मात्रात्मक, गुणात्मक, शिक्षक केंद्रित। तो मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित नहीं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, मापन की स्थिरता को व्यक्त करता है, वेदता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता। मापन की स्थिरता को व्यक्त करता है, तो 17 का हो जाएगा विश्वसनीयता। 18 एक परीक्षक की मनोदशा का प्रभाव पड़ता है, इसका तात्पर्य कमी है, वेदता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, या सभी। तो 18 का आपके हो जाएगा वस्तुनिष्ठा। अगला देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण के बारे में सही है, इसमें आपको बताना है। 19 में उपलब्धि परीक्षण के बारे में कौन सा सही है, तो इसमें 10 सही है, वेदता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, वेदता पाई जाती है। नहीं यह लिखा है, यह इनका गलत है। सीसी के बारे में सही नहीं है, 20वां क्वेश्चन आपको देखना है। तो परीक्षा में भय को समाप्त करना, यह सीसी के बारे में नहीं है, बाकी ये सभी सही। नहीं, निर्धारित समय तक चलना ही गलत है, बाकी सही है। 21वां क्रियात्मक अनुसंधान है, विद्यालय की कार्यप्रणाली का अध्ययन, नवीन सिद्धांतों की खोज विद्यालय के कार्यकर्ता द्वारा होता है, 1 व 3 सही है। तो 21 का अगर हम देखें तो 1 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर 10 सही है। 22वां क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, कॉलिवर, स्टीफन कोरे, कुर्ट लेविन और स्किनर। तो 22 की अगर हम बात करें तो स्किनर क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। 23वां क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है, अधिगम का आकलन कार्य समाप्ति पर किया जाने वाला। तो इसमें सही की अपन बात करें यहाँ पर तो आकलन निर्णय प्रदान की प्रक्रिया है, यह इसमें सही नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, मापन में शामिल नहीं है, श्रेणी निर्धारण, अंक और संख्या प्रदान करना, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो 24 की बात करें तो गुणात्मक शामिल नहीं है, बाकी श्रेणी निर्धारण, अंक और संख्या निर्धारण, मात्रात्मक यह मापन में शामिल है। गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल होता है। 25वां क्वेश्चन है, रीट की परीक्षा शिक्षक अभिवृत्ति वाले विद्यार्थियों का सही नहीं कर पाती, इसका मतलब कमी है, वस्तुनिष्ठता, वेदता, विभेदीकरण और व्यापकता। तो 25 की अगर हम बात करें तो वेदता ब ऑप्शन इसमें गलत है। 26वां मूल्यांकन होता है, निदानात्मक व उपचारात्मक, संकल्पनात्मक, परिणामात्मक, गुणात्मक, उपयुक्त सभी। तो 26 का आपके हो जाएगा उपयुक्त सभी। 27वां सम्मिलित नहीं है, ए ग्रेड, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला बालक, 27वां यह सही है। और साइक्यो साइट यह भी सही है, ABL गतिविधि आधारित अधिगम यह भी सही है, वस्तुनिष्ठता रटने को प्रोत्साहन यह गलत है। 28वां क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही है। तो 28 की अगर हम बात करें तो बाल व्यवहार शिक्षक परीक्षा पाठ्यक्रम विद्यालय संगठन समीक्षा का अध्ययन करता है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। 29वां अगर हम बात करें सही है, शिक्षक औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक रूप में होता है, अनुदेशन शिक्षक न होता है, शिक्षण बाल केंद्रित होता है, शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का होता है। तो इसमें आपको बता रहा है सही कौन सा है। तो 29 की बात कर 1 और 3 सही है। 30वां क्वेश्चन है, सम्मिलित है, आपको बताना है इसमें। तो 30 की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 6 यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सम्मिलित है। चिंतन स्तर, ज्ञान, नाम बताना, पहचाना, मिलाना, शैक्षिक उद्देश्य ब्लूम ने किया, भावात्मक पक्ष में अनुमूल्य निम्न इस तरह होता है। तो यह थी आपके लिए साइकोलॉजी, आप आराम से इसको देख सकते हैं। साइकोलॉजी काफ़ी स्थिति पेपर था और इसमें एक या दो टॉपिक ही लिए गए थे, क्योंकि एनसीएप और क्रियात्मक अनुसंधान दोनों में से ये क्वेश्चन बनाए गए थे। तो अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है, विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र, प्रश्नवाचक। तो अर्थ के आधार पर इनमें से मिश्र नहीं होगा, बाकी सभी सही। किस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे क्या कहते हैं।
तो इसमें सर्वनाम कारक क्रिया विशेषण, तो इसका हो जाएगा विशेषण। 33 नंबर क्वेश्चन, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? भाववाच्य वाला वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 33 के अंतर। तो मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता और रक्षा दौड़ नहीं सकती, तो इसमें होगा हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, यानी भावनाओं से संबंधित ऑप्शन नंबर 3। 34 में इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है, तो इसमें आपको दोष बताना है, तो इसमें अनवित्ति का दोष है। 35वां, छात्रों से परिश्रम किया, छात्रों ने परिश्रम किया तो ये उत्तीर्ण हो गई, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? तो मिश्र वाक्य में रूपांतरण की बात करें तो जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। 37, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये वाक्य है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो इसमें कौन सा वाक्य है 37 में? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इच्छावाचक, ये इच्छा प्रकट कर रहा है। 37, निम्नलिखित में से पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें आपको बताना है 37, तो 37 में सही होगा ऑप्शन नंबर 2 उभर कर। 38, किस विकल्प में अव्ययभावी समास का प्रयोग हुआ है? अव्ययभावी समास में आप सभी को पता है कि अव्यय होना चाहिए, तो इसमें बात करते हैं 38 में हो जाएगा नीरव, ऑप्शन नंबर 1। 39, समाज विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, 39 में आपको बताना है असंगत कौन सा है? कनकटा, कान को कटवाया हुआ, लताशित, लताओं से आशित, परीक्षा भवन, परीक्षा का भवन, सत्ता से, तो इसमें असंगत है परीक्षा भवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, साहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख दो, इस वाक्य में कलम है, तो 40 में इसमें कलम एक करण कारक में आ जाएगी साधन के रूप में। 41, परिवेशण बताते हैं, प्रविशेषण बताते हैं, 41 में आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशेषणों की विशेषता जो बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। 42, जिस क्रमांक में सर्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है, तो इनमें से आपको सर्वनामिक विशेषण बताना है, और सर्वनामिक विशेषण यह पानी तो सबका, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपिल पूर्णतया स्वस्थ है, रेखा के शब्द में विशेषण है पूर्णतया, 43 में बताना पूर्णतया, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का, यानी अकर्मक क्रिया का आपको बताना है 44 में, ऑप्शन आप पढ़ दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, माली पेड़ों को पानी देता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। 45, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालीन क्रिया यानी जो क्रिया पहले हो चुकी है, जैसे नीतीश पानी पीकर दौड़ने चला गया, तो ये इसमें सही हो जाएगा 45 का ही। 46, उर्वरा शब्द में वाक्यांश है, तो उर्वरा शब्द में वाक्यांश आपको बताना है, इसमें थोड़ा धुंधला लग रहा है, इसको अपन छोड़ देते हैं, पता नहीं चल रहा है, इसलिए देखते हैं सीधे अपन चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। निम्न में से शुद्ध शब्द है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द है अभिजातीय, आध्यात्मिक, पुनरावलोकन, हथनी, तो इसमें हथनी शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में, तो दुर्व्यवस्था सही है, अभिज्ञ सही है, अल्पज्ञ सही, लेकिन ग्रहणी गलत है, इसमें ग्रह आएगा। और 52, अंधविश्वास में समाज कौन सा है, तो समाज की बात करें तो अंधविश्वास विशेषता बता रहा है कर्मधारय समाज। 53, सही शब्द चाटना है अपन को, तो इसमें सही शब्द होगा अंतर्भाव। 54, सही वर्तनी वाला शब्द है, 54 में देखें अगर अपन तो केंद्रीकरण। 55, इनमें से सही शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पावित। 56, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है, निष्पक्ष, ऑप्शन नंबर 2। 57, जिसका अनुभव किया गया हो वह है, 57 नंबर की बात करें तो इसका हो जाएगा अनुभूत। और 58, निम्न में से शुद्ध है, 58 की बात करें अपन तो 3 नंबर शुद्ध है युधिष्ठिर। और 59, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास आपको बताना है, तो बहुव्रीहि समास है चतुरानन, चार है आनंद जिसके, 59 में 2। और जिस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है 60, तो इसमें 4 पदच्युत। तो ये आपकी थी हिंदी, अब अपन देखेंगे संस्कृत। तो संस्कृत में आप सभी को पता है एक गद्यांश आएगा, और में से आपको क्वेश्चन गद्यांश को आराम से पढ़ के उत्तर देने हैं, तो आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, जैसे अस्माकं देशः भारतवर्ष अस्ति, अयम अस्माकं जन्मभूमि, अस्य प्रकृति की शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालयतः अस्य प्रहरी अस्ति, एष उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते, हिंद महासागरस्य पाद प्रक्षालन करोति, भारत देशः अखिल विश्वस्य गुरु अस्ति, अनेका
पवित्रतमः नद अत्र वहति गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभवत नद अस्य शोभा वर्धयन्ति अस्य देश सर्वसाविधान केन्द्रम अस्ति अयम अनेकं प्रदेशु विभक्त अत्र विविध धर्मानुयायि जना निवसति यः भू सर्वगदपि गरीयसी वर्तते। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर। देखिए विधा नाम इत्यत्र क विभक्ति, विधा नाम में कौन सी विभक्ति आपको बताना है। तो विधा नाम यानी इसमें षष्ठी विभक्ति है। 62 गरीयसी इत्र क वर्तते, गरीयस्य में प्रत्यय बताना है, इष्ट तसील तव्यत और येषु। तो 62 का अग्रम देखें तो ये सुन पड़ते हिमालय इत्यत्र कर संधि, हिम धन आलय आप सभी को पता है, तो इसमें आ जाएगी आपकी दृक संधि। अगला है अव्यपद, अव्यपद कौन सा है इन चारों में से, तो आप सबको पता है युवा उपरते हैं एक नंबर सही। 65 विशेषण पद आपको इनमें से बताना है, चुनना है। तो 65 के अंतर्गत सर्वासाम विशेषण शब्द है, और एक और गद्यास आधारित प्रश्न है आपको उत्तर देने हैं 67 से 70 तक ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67, नव शतम इत्यंकस्य संख्या बोध, नव शतम संस्कृत में नव शतम किस संख्या को कहते हैं, तो नव शतम यानी 900, ऑप्शन नंबर 3 सही। 67 मान सेतु इत्यत्र विभक्ति वसनम निर्देशित, तो मान सेतु में कौन सी विभक्ति और वसन है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवसन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 68 की बात करें अपन तो विजित इत्यत्र विलोम शब्द, विजित विजित का विलोम शब्द आपके हो जाएगा पराजित, ऑप्शन नंबर 1। अस्थि इति पद लंग लकार, अस्थि का लंग लकार में प्रयोग आसित होगा, ऑप्शन नंबर 1। और झंझा इति पद कस्मिन लिंगी प्रयुक्तम अस्थि, यानी इसमें लिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। 71 पार्वती हिमालय तपती, तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर 4 पार्वती कुत्र तपवस्थि, यानी पार्वती कहाँ तप करती है, तो हिमालय। 72 आलस्य ही मनुष्याणा शरीर महान, ये सुक्ति है, तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रिपु। 73 मया लेख लिख्यते वाच्य परिवर्तन करना है 73 में, तो आपका इसका हो जाएगा अहम लेख लिखामि। 74 नरेश आक्ष काणा है वह संस्कृत में अनुवाद करना है, तो काणा शब्द आता ही आपको पता है तृतीय विभक्ति होगी, तो 74 में देखिए नरेश अक्षा काणा अस्ति। अब देखते 75 एतेषु मूर्धन्य वर्ण कौन सा, मूर्धन्य वर्ण आपको बताना है 75 के तहत, तो मूर्धन्य हो जाएगा र। और अब देखते हैं 76 गद्य शिक्षण में प्राथमिक स्तर करते उपयोग की विधि, प्राथमिक स्तर की उपयोग विधि की बात करें तो हो जाएगा उद्बोधन विधि। 77 नाटक शिक्षण से कस्मिन विदो पत्रानुसार वेशभूषा संवाद अंग संचालित क्रिया वर्तते, तो इसका हो जाएगा रंगमंच विधि। अभ्यास सह स्वाध्याय पर्वती विकास कस्मिन विधि भवति, यानी अभ्यास का इसमें विकास होता है, तो पाठ्य पुस्तक विधि। राष्ट्रीय पाठ्यश्रेय रूपरेखा कदा निर्मित, तो इसका हो जाएगा 2005। 81 से उद्देश्य पूर्यत तस्मत सर्वेषु उद्देश्य अवधानम इति शिक्षणम सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा बहुमुखी सिद्धांत। 81 क विधि पूर्णात अंश पूर्ण से अंश की और कौन सी विधि होती है, तो आपके इसमें उत्तर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि। 82 शिक्षक भवेत शिक्षण भवेत, 82 में आपको बताना शिक्षण भवेत 82 में, तो इसका हो जाए उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। 83 कैन कौशल अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण करोती, कौन से कौशल में अध्यापक विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, 83 तो इसका हो जाएगा प्रश्नोत्तर कौशल। 84 संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रवणम, संस्कृत भाषा शिक्षण विकास बहुत ही। 85 भाषा कौशल का विकास होता है, तो कौशलों से। 86 नूतन पाठ से भूमिका या निर्माण की दर्श प्रश्न है, तो 86 का आपके हो जाएगा 2 नंबर प्रस्तावना कौशल प्रश्न। 87 संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन साधन भौतिक, मूल्यांकन साधन उपयोग सभी है बुद्धि परीक्षण अभिरुचि आ सकती। 88 संस्कृत शिक्षण में परंपरागत उपकरण कौन सा है, तो परंपरागत इसमें हो जाएगा श्यामपट। और 89 उपसारात्मक शिक्षण भौतिक, तो उपसारा को छात्राणाम त्रुटि निवारण के लिए उपसारात्मक शिक्षण किया जाता है। और 90 रिक्त स्थानम पूर्ति सत्य और असत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्न इत्यादि प्रकार कश्य परीक्षा है,
तो सत्य असत्य न्याय स्वभाव की वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा। तो यह थी आप सबके लिए रीट की, जो SST के क्वेश्चन बस गए हैं उसका अपन अलग से टेस्ट लेंगे, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। इसलिए तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं एक और नए वीडियो और नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।